आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के जनपद बलिया बैरिया से है। 363 विधानसभा बैरिया क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल सीएचसी सोनबरसा में बुरी तरह भ्रष्टाचार से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था से नाराज छात्र नेताओं का क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। क्रमिक अनशन के दौरान छात्र नेताओं ने सीएचसी सोनबरसा के अधीक्षक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजय यादव से हुई वार्ता बेनतीजा रही। छात्र नेताओं ने सीएमओ बलिया को अल्टीमेटम दिया कि 36 घंटे के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन को तेज करेंगे। शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू होगा, इसके बावजूद भी बात नहीं बनी तो छात्र कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 4 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से छात्र नेता सोनबरसा अस्पताल के कैंपस में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सीएचसी सोनबरसा में 7 चिकित्सकों का पद है, जिसके सापेक्ष महज एक चिकित्सक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव की तैनाती है। अगर वो छुट्टी पर चले जाते हैं तो अस्पताल पर कभी कभी एक भी चिकित्सक नहीं रह जाता है। ऐसा कई दिन हुआ है जब यहाँ कोई चिकित्सक नहीं रहा और अपना इलाज कराने पहुंचे मरीजों ने हंगामा किया। पीएचसी कोटवा तो कभी मुल्ली छपरा से चिकित्सकों को भेजकर जैसे तैसे यहाँ अस्पताल का संचालन हो रहा है। यहाँ किसी सफाई कर्मचारी की भी तैनाती नहीं है। जो सफाई कर्मचारी यहाँ तैनात था उसकी लगभग एक महीने पहले मौत हो गई। उसके बाद से यहाँ कोई सफाई कर्मचारी की तैनाती नहीं है। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया से सुनील यादव की रिपोर्ट। में क्या क्या हमारा दवा तो है डॉक्टर साहब, इस हर बहुत दवाइयां है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।